एक मर्तबा कम दिमाग वाले बंदे का कब्रिस्तान के पास से गुजरना हुआ, तो कम दिमाग वाले बंदे ने सोचा क्यों ना कब्रिस्तान में दाखिल हुए और सबकी खैरियत पूछी जाए। तो कब्रिस्तान में दाखिल होने के बाद सबकी कब्र पे जाकर पूछा कि आप देवबंदी हो, बरेली हो, आप सुन्नी हो। तो सब ने एक ही जवाब दिया, नहीं भाई, हम सब एक मुसलमान हैं। एक कब्र से रोने की आवाज़ आई। कम दिमाग वाला बंदा वहाँ पे कब्र के मुर्दे से पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हो? उस बंदे ने जवाब दिया, दुनिया में मेरे पास दौलत शोहरत सब कुछ था, माँ बाप थे, लेकिन मैं अपने वालदैन की नाफरमानी करता था, नमाज़ें मुकम्मल नहीं करता था, मेरे अखलाक अच्छे नहीं थे, मैं लोगों के साथ बुरा सलूक करता था। कब्र के मुर्दे ने फरमाया कि मेरे भाई, दुनिया वालों को मेरा पैगाम दे, वालदैन की फरमाबरदारी करे, नमाज के पाबंद बने, छोटे से प्यार से और बड़े को अदब से पेशाए और अपने आखिरत की तैयारी करे, अपनी धन दौलत में से सदका खैरात जरूर करे। कम दिमाग वाले आदमी ने कब्र के मुर्दों को सलाम दुआ करने के बाद शहर की मस्जिद में जाके मौलाना से ये बयान किया कि मौलाना, ऐसा वाक्या मेरे साथ हुआ कब्रिस्तान में, वह कब्र के मूर्ति ने ये पैगाम दुनिया वालों को देने के लिए कहा है। मौलाना साहब ने मस्जिद में ऐलान करवाया। मौलाना साहब ने बयान में बताया, ए मोमिनो, आपके पास अभी भी वक्त है, आप आखिरत की तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। खास करके अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर जरूर करें।